क्या वो ऑर्डर होगा ऑर्डर होगा, फिर भी उसने मेरे को नहीं 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 इट्स ऑर्डर, और मैं ड्रिव करती गई और मेरी बहुत बड़ी झंड हो गई वहाँ पे। अच्छा, जो इसके बाद जो हम लोग खाएंगे वो क्या होगा? मेन कोर्स। मेन कोर्स उसका क्या, उसका क्या नाम? ठीक है, आई नाउ वांट टू सी कि आप कैसे खाएंगी आपका मेन कोर्स जो स्पेगेटी। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं ज्यादातर स्पेगेटी के साथ में? वो पूरी रोल हो जाए। क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट इट्स इजीयर टू गो इन द माउथ। और अगर लंबी लटक रही होगी तो क्या होगा? कट इट विद द नाइफ। कैसे काटेंगे मुझे आप दिखाएंगे? आप बताएंगे आप कैसे होल्ड करेंगे फोक और नाइफ को? ओके, आपको कुछ आपके फ्रेंड्स ने सिखाया था कैसे होल्ड करने? दे जस्ट सेड लेफ्ट हैंड फोक एंड राइट हैंड नाइफ। और उसके अलावा कुछ नहीं आपको बताया? इन वर्ड्स। बट कैसे पकड़ना है वो नहीं दिखाया? मैंने पहले कहीं सीखा था कि तो हैंड दिस पार्ट शुड नॉट बी सीन आउटसाइड, इट शुड बी हिडन इनसाइड। अच्छा, व्हाई शुड इट बी हिडन? First of all, this is more comfortable a position to hold mm-hmm. it. And then if you're holding it this way, I don't know, it tends to wobble more. It tends to wobble? More, yeah. This part. The hand wobbles or the food wobbles? The fork. The fork wobbles, mm-hmm. Okay. Apeksha ne sabse acha fork aur knife ko hold kiya tha. और पर उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो ठीक नहीं था। सपोजिंग यू हैव टू वेट, शी हैज फिनिश्ड हर फूड एंड यू बोथ आर वेटिंग फॉर हर, वुड यू शो मी हाउ यू विल वेट? ये जो आप अभी कर रहे हैं सब, ये क्या कहते हैं? साइलेंट लैंग्वेज। साइलेंट लैंग्वेज? दिस इज नॉट साइलेंट लैंग्वेज, साइलेंट मोड। साइलेंट मोड? साइलेंट मोड वो फोन की लैंग्वेज खाने में ले आई थी। साइलेंट फूड? ओके, साइलेंट ही होता है, बोलता तो नहीं है फूड। आपने कभी बोलते हुए स्पेगेटी को देखा है? साइलेंट कोर्ट को उन्होंने काफी गलत तरीके से समझा। क्लोज कैसे करते हैं? आपने अपने फोक को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से रखा, ये क्यों ऐसे आपने रखा? टाइम्स डाउन? मैं हमेशा ऐसे ऐसे रखती हूँ। आज क्या हो गया? दे टोल्ड मी वाज लाइक इट्स लाइक इट शुड बी लाइक दिस, क्लोज इट लाइक दिस। अच्छा, योर फ्रेंड्स टोल्ड यू कि ऐसे रखो? ठीक है, ओके। आपका खाना खत्म हो गया है और अभी आप क्या करेंगे आपके नैपकिन के साथ, दिखाइए मुझे। आप एग्जैक्टली उसी तरीके से रख रहे हैं जैसे आपको दिया? नॉट एग्जैक्टली, आई एम कीपिंग। तो आपने थोड़ा फर्क क्यों रखा? ताकि पता चले इट्स नॉट अ, इट्स अ यूज्ड वन, इट्स नॉट अ क्लीन वन। आपने क्या किया? जस्ट दैट कि जैसे उन्होंने रखा था, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम इट सो दैट द अदर पीपल नो इट्स अ यूज्ड नैपकिन एंड आई थिंक द डर्टी साइड शुड बी इनसाइड। आपने वैसे ही फोल्ड कर दिया जैसे साफ नैपकिन था, है ना? I didn't mean to do it that way. Actually, there's no particular shape. You just need to fold it neatly and keep it. You have to fold it neatly. Folding napkin किसी को भी ठीक नहीं आया, क्योंकि मैंने सिखाया था कि उसका एक टाइट सा वॉर्ड बना के उसको रखना है टेबल पे। तो उन्होंने सबने ट्राइंगल्स बनाए थे और मुझे तो एरोप्लेन्स की याद आ रही थी जो हम बनाते थे स्कूल में और उड़ाते थे, तो वो ठीक नहीं था उनका फोल्डिंग। Okay, girls, how did it go? Good. I'm going to get Ritika to break it down one at a time to tell me, you know, the good and bad about each of you. So, do you want to start with Apeksha? Okay. Apeksha, aapne I think bahut kam times socially restaurant mein ya kahin pe jaake khana khaya. Kuch cheeze aapki achhi bhi thi, jis tarike se apna fork aur knife hold kiya, wo bahut acha tha. But baaki cheeze jaise aap spaghetti ko cut kar rahi thi, wo thoda sa gadbad ho gaya. और वैसे स्पेगेटी को काटा नहीं जाता, वो फोक में पूरा आया नहीं, मैंने नाइफ लिया और मैंने काटना स्टार्ट किया, पर वो स्पेगेटी पता नहीं किस चीज से बनाई थी कि कटी नहीं जाती, कटी नहीं रही थी, तो आई थिंक वो थोड़ा ऐसा चॉपिंग जैसा लग रहा था। सच में मैंने स्पेगेटी पहली बार खाई, वो दिख रहा था कि आपने पहली बार खाई। ओवरऑल जो आपके टेबल मैनर्स मैंने देखे थे, आप काफी कॉन्शियस थी, तो उस पर आप थोड़ा सा वर्क करेंगे तो अच्छा रहेगा। वेल तानिया, जिस तरीके से आपने क्लोजिंग किया वो बहुत गलत था। आप कह रहे थे कि मैं हमेशा करेक्ट तरीके से करती हूँ, पर आज मेरे फ्रेंड्स ने बोला तो मैं गलत। इस मामले में मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि थोड़ा बहुत हमें
कॉमन सेंस भी अपना यूज करना पड़ता है. और नैपकिन को भी आपने ट्रायंगुलर फोल्ड किया, पर आपने रीजनिंग अच्छी दी कि वो यूज नहीं होना चाहिए दोबारा, पर आपने फोल्ड ठीक तरह से नहीं किया था. उसको एक नॉट, एक टाइट वॉर्ड बना के उसको रखना था, वो आपको नहीं बताया शायद आपके फ्रेंड्स ने. नाइफ आप ऐसे होल्ड कर रहे थे जैसे कि अभी आप मेरा मर्डर करने वाले थे, क्योंकि मैं आपके साथ सबसे पास में बैठी थी. थोड़ा मुझे डर लग रहा था जिस तरीके से आप फोक नाइफ ऐसे. मेरे पास एक पिक्चर है मेरे फाइन डाइनिंग क्लास में जिसमें ऐसे बैठता है एक कार्टून कैरेक्टर. तो आज मुझे थोड़ा बहुत उस कार्टून कैरेक्टर की याद आई. रिया आपने थोड़ी सी गलतियां की. एक आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? आई डिडंट नो दैट लंच में कैसे रखते हैं. आई डिडंट कीप द नैपकिन प्रॉपर्ली. और आपने क्या कहा था लंच में क्या करते हैं? आपने कहा यहाँ बिब बनाते हैं. वो मैंने स्पेशली आपके फ्रेंड्स को बोला था कि हम ऐसे नहीं रखते. आई वॉज रियली एम्बैरेस्ड क्योंकि देखा था मैंने एक जगह ऐसे घुसाते हैं अपने कॉलर के अंदर. आई वॉज एम्बैरेस्ड. आपका सूप स्पून सही जगह पे था, वो आपने अच्छी तरह किया. डिनर के टाइम पे आपसे कोई गलती हुई आपको याद? मैंने शायद स्पेगेटी काटी थी. आपने भी काटी थी पहले. एक्चुअली आपने शुरू किया कटिंग का जो सिस्टम था, उसके बाद में तानिया ने थोड़ा बहुत टेक ओवर किया, पर इतना नहीं. पर सबसे ज्यादा तो अपेक्षा ने, जिसको एक्चुअली चॉप 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 करके उसने काटा. जैसे हम गाजर और मूली को काटते हैं, वैसे आपने स्पेगेटी को काटा था. उसने बहुत ही बुरी तरह से मर्डर कर दिया था अपनी स्पेगेटी का. उसको काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में. And I think Abhisha was the worst performer. Okay, now it's time to announce the winner. Obviously, there can only be one. And Abhisha, you already won the first round of the finale. And now there has to be a second round winner of the finale. And Ritika, are you going to? Are they going to murder me with those knives? No, folks. Not at okay. all. I'm sorry, girls, but there can be only one winner. It's time to announce the winner. I'm sorry, girls. But there can be only one winner. And today's winner was Rhea. She handled her equipments and everything a little better than you all. Finally, I won something. Apeksha nahi jeeti. Main soch rahi thi Tanya bhi jeet jaye. Bas Apeksha na jeete. Matlab non-deserving kyun jeete? So, girls, another step closer to the Miss Teen International pageant in Chicago. How are you feeling? Amazing, exciting. Okay, all right, Tanya. Abhisha's won one round. Rhea's won the other. You have to pull up your socks a little more, okay? I think agar koi aur challenge hota hai, to I have to win it. I have to show my best. Bas ye tension hai. La 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 la. Okay, girls. Hello and welcome. Are you feeling good this morning? Yes. Very. This is a training course, and we have one of the most wonderful ladies here, Lubna Adams. Do you want to know what she trains in? Yes. Choreography. Okay. This is what you're really going to need when you enter any kind of pageant, any ramp show, anything in the modeling world. All ears, girls. I'm going to leave it all up to Lubna. Show her the utmost respect, and I will check on you later. पहला rule. जब भी आपके हाथ कमर पे हो तो दोनों हाथ ज्यादा करके कभी नहीं होते. हमेशा एक हाथ रखा करिए और वो भी उंगली साथ. दूसरा रूल, अगर दो हाथ रखे तो आपने ऐसे रखे, यहां जो हड्डी है ना वहां पे रखे. और तीसरा रूल, नो क्रिस क्रॉस. आपको सीधा चलना पड़ता है. सीधा मतलब एक पैर के सामने एक पैर आता है लेकिन क्रॉस नहीं होता है. आप एक एक करके मुझे चल के बता सकते हैं? लेट्स गो. Heart control. She has grace. Chin down slightly. You're slouching. Look at me with confidence.